सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की रूमेक्स क्रिसमस की। होम्योपैथी की एक ऐसी दवा जो देखिए आपके रिस्पायरेटरी पे, आपके स्किन पे, आपके जीआईटी पे, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण काम करती है। साथियों, ये दवा है तो बहुत छोटी, लेकिन ये जो मैं आपको सिम्टम बताने जा रहा हूं, इसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पांस मिलेगा। लास्ट में मैं इसका डोज भी बताऊंगा, अतः आप इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको खांसी आती है, और खांसी कब आती है ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है इस मेडिसिन का। अब जैसे कि आपको यहां गले में ऐसा लगता है गुदगुदी होता है, जैसे टिंगलिंग होती है, और यह टिंगलिंग आपको इतना मजबूर कर देती है जैसे लगता है कि आपको खांसी करने के लिए मजबूर कर देती है। यानी कि टिंगलिंग इन थ्रोट काजेस कप, इतना गुदगुदाहट कि आपको खांसी करना आपकी मजबूरी हो जाती है। आपको ड्राई टीसिंग कफ आती है, और क्या होता है कि आप जो है आपको नींद भी डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि खांसी के वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप जो है चाहते हैं कि जैसे सीने को, आप कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग जो है जब खांसी आती है तो हम लोग सीने पर हाथ रखते हैं, लेकिन आपने जैसे प्रेशर दिया तो खांसी और बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ आप किसी से बात करते हैं तो भी आपको खांसी आती है, आप जैसे गहरी अगर सांस लेते हैं तब भी सांस आपको खांसी आने लगती है, और तो और अगर आप खुली हवा में या रात के टाइम में अगर आप सांस लेते हैं, अगर कहीं बाहर की हवा ठंडी है तब तो आपको और तेजी से खांसी आने लगती है। साथियों, रूमेक्स क्रिसमस बहुत ही अच्छी दवा है। अब आप जरा देखिए ना कि आप ऑफिस से गए घर, और घर गए आपने कपड़ा निकाला नहीं कि शरीर में खुजली शुरू, यानी कि जैसे ही अनड्रेसिंग आप कर रहे हैं, अब जैसे ही कपड़ा निकाल रहे हैं, जैसे ही अपने आप को अनकवर कर रहे हैं, आपके शरीर में खुजली दाने शुरू हो जाते हैं, आप इससे परेशान हैं। आप दवाएं लेते हैं, एंटी एलर्जिक दवाएं लेते हैं, थोड़ी सी आराम हो जाती, लेकिन ये समस्या जा नहीं रही, ये आपके रोज का जो है तकिया कलाम बन गया कि जैसे ही आप बाहर से आते हैं, घर में कपड़ा निकालते हैं, बस आपकी खुजली शुरू हो जाती है। ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब देखिए आपको क्या हो रहा है कि आपको डायरिया, ऐसी डायरिया हो रही है कि जैसे रात में आप सोए हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सोए हैं और आपको इतनी खांसी आई कि उस खांसी ने आपको मजबूर कर दिया भागने के लिए, आपको खांसी आई और भाग रहे हैं, आपको डायरिया हो रही है। यानी कि डायरिया अर्ली मॉर्निंग हो रही है और उसका प्रमोशन कौन कर रहा है, आपकी खांसी कर रही है। आपको एनस में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, और तो और आपको कभी कभी पाइल्स की शिकायत भी हो जा रही है। तो यह दवा जो है इन चीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल है। अब आपको इसका कैसे प्रयोग करना है, तो प्रयोग तौर पे साथियों इस दवा को आप लोअर पोटेंसी में रिपीटेड डोज में लीजिए। जैसे आपको खांसी की प्रॉब्लम है, आपको जो मैंने बताया जिस तरह की खांसी, अगर इस तरह की समस्या है तो आप इसे 30 पावर में सुबह, दोपहर, शाम, रात लीजिए। जब आपकी खांसी कम हो जा रही है तो आप इसे सुबह शाम कुछ दिन तक लेकर बंद कर दीजिए। आपकी गले की जो टिंगलिंग हो रही है वो भी सही हो जाएगी। अगर स्किन के केस में आप यूज कर रहे हैं और ये समस्या आपकी बहुत पुरानी है, ज्यादा दिनों से हो रही है, तो आप 30 पावर सुबह, दोपहर, शाम 3-4 हफ्ते यूज कर लीजिए, आपकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जीआईटी की अगर इसका यूज करना है तो इसे थोड़ा रिपीटेड वे में 30 पावर ही आप यूज करिए। अगर किसी तरह की रिस्पांस में आपको दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित रूप से कोई डोज को आपको जो है कमी या बेसी करनी है, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और आप जो है डोज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लायक कोई सेवा की जरूरत है तो आप जो है
मेरे क्लिनिक में आके फोन करके कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।